गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट में माय रनिंग टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू क्वेश्चन नंबर अप टू 3-4। टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 5। रीड योर क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग माइनस टू कॉमा टू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। तो देखिए, एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल लेना पड़ेगा और एक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो डिफरेंस ये विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल करते हैं? 0 के। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। तो आप x की 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी x इक्वल टू है? तो ये और दो ये वैल्यू माइनस टू टू। इन तीनों पॉइंट पर f x की वैल्यू निकाल दी, तो f 0 इक्वल टू 0 की पावर 3, f माइनस टू की पावर 3 इक्वल टू माइनस 8, एंड एफ टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब इन तीनों में देखिए मिनिमम कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज माइनस 8। सबसे छोटी माइनस 8 है, मैक्सिमम 8 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, या फिर सुपर टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस cos x, x belong to 0 to pi, x belong to 0 comma pi। तो end point of the interval ये x equal to 0 या x equal to pi हो लेते हैं। यहाँ से x की value first derivative find करें, equal to 0 कर दें तो x की value आएगी। तो f dash x equal to sin derivative cos x and cos का minus sin x, put एफ डैस एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ। कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा टैन एक्स, साइन अपॉन कॉस टैन, कॉस अपॉन कॉस अपॉन। तो टैन एक्स इक्वल टू टैन कितने की वैल्यू है? 1, टैन 5/4, टैन टैन कैंसिल, एक्स इक्वल टू 5/4। अब x की कितनी वैल्यू आ रही है देखिए, x इक्वल टू 1 तो आपकी 0 है, 1 5/4 है, 5 तीन वैल्यू दी गई है, ये दिख रही है दो ही है। इन तीनों वैल्यू पर आप f(x) की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें जो मैक्सिमम होगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो मिनिमम होगी वही एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो देखिए f 0 sin 0 प्लस cos 0, साइन जीरो की वैल्यू 0 प्लस का 0 की 1, 0 प्लस का इक्वल टू 1। फिर एफ 5/4 इक्वल टू साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4 इक्वल टू साइन 5/4 वन अपॉन रूट 2 प्लस वन अपॉन रूट 2 इक्वल टू आ जाएगी आपकी रूट 2। फिर पाई एफ पाई इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन
माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। आप इन तीनों वैल्यू में देख लीजिए, ये वन है, ये माइनस वन है, ये रूट है, ये मिनिमम है। ये कैसी है? मिनिमम। वन और माइनस वन में ये छोटी है और ये मैक्सिमम है। ये कैसी है? मैक्सिमम। तीन पॉइंट थे आपके, जीरो की वैल्यू ये है, ये पाई बाई फोर की रूट टू है, और ये पाई की है माइनस वन। तो अब आप लिखेंगे एब्सोल्यूट, इसी का आंसर लिख दीजिएगा, आगे ऊपर आ जाइए। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस वन, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है रूट टू। इसका आंसर ये आ गया। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड। थर्ड पार्ट में कह रहा है f x इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, x बिलोंग माइनस 2 कॉमा 9 अपॉन 2। फोर्थ पार्ट f x इक्वल टू x माइनस 1 होला स्क्वायर प्लस 3 एक्स लॉन्ग माइनस 3 कामा 1 माइनस 3 कामा 1। तो आप देख रहे हैं ये दो क्वेश्चन आपके सेम टू सेम है, इसी टाइप के एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इसको आप इस तरह लगाएंगे बिल्कुल सेम मेथड से, दिस इज योर होम बैक। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की जितनी भी वैल्यू आ जाए 2 और 1 दो वैल्यू ही है, इन सभी वैल्यू पर f x की वैल्यू निकालिए, उसमें जो अधिकतम होगी भाई मैक्सिमा, जो सबसे छोटी होगी भाई मिनिमम है। ऐसे इसमें f डैश x निकाल लीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, x की वो वैल्यू जो निकलती है और दो वैल्यू ये माइनस 3 कामा 1, उन सभी पर f x की वैल्यू निकालिए, उसमें जो मैक्सिमम है भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जो छोटी से छोटी मिनिमम वैल्यू है वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।